तू एक दिन रोवेगा वे जिवें असीं रोईए बूहे बंद करके कंधां नाल लग के तैनू फोरा तरस वी साडे उत्ते आया ना सुट गए बैरिया तू दिल विचों कट के तू ते कदे कदर ना जानी साडे प्यार दी असीं तैनू चा बैठे जान तो में वद के तू एक दिन रोवेगा वे जिवें असीं रोईए बूहे बंद करके रुको तुम्हें सुसाइड करना है ना कर लो पर उससे पहले दो मिनट मेरी बात सुन लो तुमने कभी सोचा है तुम्हारे सुसाइड करने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा उन पर क्या बीतेगी लड़की ने धोखा दिया इसलिए सुसाइड कर रहे हो ना एक बात बताओ किसी के चले जाने से तुम क्या जीना छोड़ दोगे बट मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ नहीं रह सकता उसके बिना कभी ना जिंदगी में किसी के लिए रोना मत क्योंकि वो तुम्हारे आंसू के काबिल नहीं जो तुम्हारे आंसू के काबिल होगा ना वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा और आज के बाद ना कभी मत रोना अच्छा अपना फोन दो बट क्यों अरे दो तो मैंने अपना नंबर सेव कर दिया आज के बाद कभी भी अकेलापन फील हो तो मुझे कॉल कर देना सुसाइड मत करना हेलो हेलो सुसाइड मिस्टर कुछ बोलोगे भी यार तुम मुझे पहचान कैसे लेती हो हम ना किसी की खामोशी को अच्छे से पहचान लेते हैं अच्छा ये बताओ कॉल क्यों किया कहीं फिर से सुसाइड करने तो नहीं जा रहे नहीं यार मम्मी पापा घर पे नहीं है ना और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा और तुझे पता है घर पे जब अकेला रहता हूँ ना उसकी बहुत याद आती है सोच रहा हूँ कॉल कर लूँ रुक कॉल मत करियो अबे तेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं जब तक वो कॉल ना करे तू भी कॉल मत करियो यार 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 कुछ नहीं लोकेशन सेंड कर मैं आती हूँ तेरा मूड ठीक करती हूँ सच में आ रही है हाँ ना ओके ठीक है लोकेशन सेंड कर रहा हूँ थर्ड फ्लोर पे है ठीक है मैं आती हूँ ओके बाय अबे यार इतना कहर भी नहीं हूँ एप्पल काटने जा रहा था अच्छा ला मैं काट देती हूँ ले छोड़ना यार क्या करेगी जान के अपनी लव स्टोरी बताने लगा तो पूरी रात हो जाएगी और वैसे भी उसके बारे में सोचूंगा तो दिमाग ही खराब होगा वैसे तू बता तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया प्यार किया है ना
कौन है वो खुश नसीब जिससे तू प्यार करती है? पर मैंने उसे कभी बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वो किसी और से प्यार करता है। ऊपर वाला भी ना अजीब है यार, हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है। छोड़ ना यार, तू क्या प्यार व्यार की बातें लेके बैठ गया। अच्छा ये बता, कल फ्री है? हाँ फ्री हूँ, पर क्यों? मेरे साथ ना मॉल चल लियो, मुझे थोड़ा सामान वगैरह लेना है, और वैसे भी यहाँ रहेगा तो देवदत्त बन के बैठा रहेगा। चल लूँगा यार। चल ठीक है, मैं चलती हूँ ना, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय। यार ये लड़कियाँ हमेशा वेट क्यों कराती हैं, दोस्तों या गर्लफ्रेंड? अरे यार वो जाम में फंस गई थी, नाराज क्यों होता है, चल ना। वैसे मॉल में मजा आया है? हाँ यार मजा तो बहुत आया। चल ठीक है यार, चलता हूँ मैं। अच्छा ये तेरे लिए। ये क्या है? वो आज तेरा बर्थडे है ना, तो छोटा सा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। पर तुझे पता है ना ये मैं बर्थडे वर्थडे नहीं मनाता, किसी पर्सनल रीजन की वजह से। मुझे पता है, वरना केक लेके नहीं आती, इसीलिए तुझे छोटा सा गिफ्ट दे रही हूँ। कम से कम इसी बहाने तो मुझे याद तो करेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरा बर्थडे? मुझे सब पता है, तू ज्यादा मत सोच अब, चल बाय। प्रीत थैंक यू यार, तू नहीं होती ना तो मेरा पता नहीं क्या होता, देवदास बन के कहीं पड़ा होता। और ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि तेरा प्यार तुझे मिल जाए, क्योंकि हम जिसे चाहते हैं ना वो ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है, मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। और वो बहुत खुशकिस्मत वाला होगा जिसे तू प्यार करती है। अच्छा चल ठीक है, अब रुलाएगा क्या? और फ्रेंडशिप में नो थैंक यू। चल ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है अब। चल ठीक है बाय। भाई कहाँ रह गया यार, पार्क में भी आ गया, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। प्रीत तुम यहाँ? हाँ वो एग्जाम आने वाले ना, तो स्टडी कर रही थी। पार्क में स्टडी? हाँ वो घर में बहुत शोर होता है ना, इसलिए पार्क में आकर स्टडी करती हूँ। चल सही है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? यार दोस्त ने बुलाया था, पता नहीं कहाँ रह गया। अब किसकी कॉल आ गई यार? हाले कौन है? एक्स गर्लफ्रेंड की। उठा देख तो सही क्या कह रही है। हेलो हेलो रुस्तम। रुस्तम तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे से कितना प्यार करते थे और मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। आई एम रियली सॉरी, क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं? वो सब छोड़ो, कल मिलो फिर सब बताती हूँ। क्या हुआ, क्या बोला? उसे गिल्टी फील हो रहा है, वो रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहती है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ तूने मना किया था कॉल करने के लिए, अब एहसास हुआ उसे अपनी गलती का। तू रुक मैं पानी लेके आती हूँ।
कंग्रेचुलेशन, तुझे तेरा प्यार मिल गया। हाँ यार, सब तेरी वजह से हुआ है। चल मैं निकलता हूँ, ठीक है? यादें प्रीत, तुमने क्या कहा था, जिंदगी में कभी किसी के लिए रोना मत, क्योंकि वो तुम्हारे आंसू के काबिल नहीं, और जो तुम्हारे आंसू के काबिल होगा ना, वो तुम्हें कभी नहीं रोने देगा। तो मैं तुम्हें कैसे रोने दे सकता हूँ, और इतना प्यार करती हूँ, मुझसे बोल नहीं सकती। और तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बताओगी नहीं तो पता नहीं लगेगा। संविधान क्या होता है? डायरी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स शायद किसी के साथ शेयर ना कर पाऊँ। रुस्तम, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बट शायद मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किसी और से प्यार करते हो। इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स अपनी डायरी के साथ शेयर कर रही हूँ। और तुम्हें पता है मेरे लिए दुनिया में सबसे बेकार फीलिंग क्या है? तुमसे दूर रहना। और सच्चा रिश्ता ना एक डायरी की तरह होता है, कितना भी पुराना हो जाए बट उसके वर्ड्स कभी नहीं बदलते, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। और जो लड़की एक बार धोखा दे सकती है वो दोबारा भी तो दे सकती है। और मैंने एक चीज सीखी है यार, प्यार उससे करो जो तुम्हें चाहता है, उसके पीछे मत भागो जिसे तुम चाहते हो, क्योंकि जो तुम्हें चाहता है ना वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बाहों में तेरी आरा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। हेलो। हेलो रुस्तम, कल मिल रहे हो ना? सुनो, अब अपने लिए तुम दूसरा ढूंढ लो, क्योंकि ना तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। वैसे अगर मैं डायरी नहीं पढ़ता तो तुम मुझे कभी बताती नहीं है। अच्छा, आप तो नहीं सुसाइड करोगे? हेलो गाइस, गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हाँ यार, कर लेना बेचारे को फॉलो। और हाँ दोस्तों, अगर प्रेग्नेंट वाली वीडियो पे 200 के व्यूज आते हैं तो उसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो जिसने नहीं देखी जल्दी जाओ देखो। और गाइस, अगर आपके आसपास कोई इंसान डिप्रेशन में है तो अपनी लाइफ का उसे 15 मिनट जरूर दें, क्या पता आपके उस 15 मिनट से उस इंसान की लाइफ बच जाए। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।